रेड में तो होता है दिल बना, दिल बोल रही हूँ, चांद और तारा बना होता है ना हिंदुस्तानी फिल्म में, चांद और तारा बना होता है। थोड़ा सा सुनाए, थोड़ा सा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुण भक्त मंगलम कुंडली काक्षम मंगलाया तो बहुत देखती है भाई। दोस्तों पाकिस्तान के कुछ लोगों ने एक कार्यक्रम के दौरान 15 अगस्त को लेकर इंडिया पर एक वीडियो बनाया और वीडियो में पाकिस्तानी ने भारत के झंडे तिरंगे को लेकर कुछ सवाल जवाब किए हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि अन्य पाकिस्तानियों ने इसके बारे में क्या जवाब दिए। और दोस्तों वीडियो का बेस्ट पार्ट यह है कि जो पाकिस्तानी ये सवाल पूछ रहा है उसका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, उसे जरूर सुनना क्योंकि उसका जवाब सुनकर आप हंसी से पागल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। देख लो जो भी इसके फैंस है हिंदुस्तान में देख लो भाई, देख लो। वैसे मुझे अपने मुल्क का पता होगा, आप अपने मुल्क यार, मैं अपने मुल्क इधर तो आओ। हम तो यार व्लॉग का मजे का बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जरनाब से लेंगे सवाल। जरनाब, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, 15 अगस्त को, तो हिंदुस्तान के झंडे पर जो रंग है वो कौन कौन से? जैसे कि हमारा जो वतन पाकिस्तान है उसका जो झंडा है वो सफेद और सब्ज रंग का है, ठीक है? तो हिंदुस्तान के झंडे पे कौन कौन सा रंग है? अच्छा आप भी बताएंगे। ये ओके, लाल, हरा, सफेद। ओके, इसके अलावा कोई और रंग होता है? और रेड में तो होता है दिल बना, दिल बोल रही हूँ, चांद और तारा बना होता है ना हिंदुस्तानी फिल्म में, चांद और तारा बना होता है इधर इधर जरनाब ने कहा। जितने भी हिंदुस्तान के टिकटॉकर्स हैं वो देख लेंगे। पाकिस्तानी लड़की ने कहा कि हिंदुस्तान के झंडे पे चांद और सितारा बना होगा। चांद सितारा बना नहीं होता क्या? आप बताए ना, तीन रंग होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, सही है? और अच्छा सर्च कर रही है, ये देखे सर्च कर रही है, देखे सर्च कर रही है। अच्छा बताए, और बताए मैसेज में दिखा दो यार, एक मिनट। अच्छा तीन कलर होते हैं और ऊपर बना होता है चांद और तारा, रेड कलर। अगर आप ढूंढ रही है, ये ढूंढ रही है। ओके, कश्यप से, कश्यप, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तो हिंदुस्तान के झंडे पे कौन कौन से रंग होते हैं? रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। वाह यार जबरदस्त। और अच्छा सुनाओ, कुछ बना हुआ तो होता है ना गोल, उसका नाम क्या है? उसका नाम मैं हिंदुस्तान में थोड़ी रहती हूं। कैसे आप बताएं? रेड, ग्रीन, रेड, ओके, रेड, ग्रीन और व्हाइट। व्हाइट और तो कोई कलर नहीं होता या होता है? नहीं, और तो कोई नहीं होता। पक्का देख ले, सोच ले, कुछ और हो सकता है झंडे पे कुछ और बना हुआ होता? ऐसा कुछ नहीं होता, पक्की बात है। अच्छा कोई कौन सी चीज होती है जो आप बोल रही है वो बनी हुई तो होती है लेकिन उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा? आप नहीं बोली, पक्की बात है? बस ये तीन रंग होते हैं। हाँ। देख ले भाई, इसके जो भी फॉलोवर्स हिंदुस्तान में मौजूद है वो देख ले जनाब। और शताज से लेंगे सवाल, शताज आप ऐसे ही आ जाए, शताज, 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 गुड़िया शताज, लारे हिंदुस्तान के झंडे पे कौन कौन से रंग होते हैं? इधर आइए लारे बाब। ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन। ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, ठीक है, यहाँ तक तो आपने ठीक बताया। और एक रंग और होता है, उसका नाम बताए। यस, हिंदुस्तान के झंडे पे ब्लैक कलर का जो लोगो होता है वो कौन सा रंग का होता है? ब्लैक कलर। ब्लैक रंग का तो नहीं होता। अच्छा बहुत, मतलब मैं बताता हूँ, वो कोई बहुत डार्क टोन वाला ब्लूइश में आता है, ठीक है? ओके, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, यहाँ तक ब्लूइश के टोन में आता है, डार्क मार, ठीक है, उसको बोलते क्या है जो बना? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इंडिया का। ओके, बट यहाँ तक तो आपने ठीक बताया जनाब। वो जो बीच में बना होता है जिसका लारे बोल रहे हैं और ब्लू कलर का होता है, ये भी दोनों ठीक बताया है। उनकी कोई सेंग्स लिखी हुई है उस पर? क्या लिखी हुई है? सेंग्स लिखी हुई उनकी, मतलब हिंदी में कुछ लिखा हुआ। ओके, ये लिखा होगा भारत माता की जय, या तो जो है लिखा होगा क्या लिखा होगा? इधर आइए, इधर क्या क्या लिखा होगा यार? भारत भाग्य विधाता, क्या क्या भारत भाग्य विधाता, इस तरह कुछ लिखा होगा उनका, कोई की चीज लिखी। चले, आपने बिल्कुल कलर तो आपने ठीक बताए, कलर आपने बिल्कुल ठीक बताए। जो लारे ने कहा झंडे के बीच में कुछ बना होता है, उसका नाम मैं ब्लॉग के आखिर में बताऊंगा, वरना जो लोग यहाँ पर मौजूद है, हिंदू का वो आता है, वो जो उनकी शादी पे नहीं होता था। जरा सुनाए, थोड़ा सा सुनाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुण भक्त मंगलम कुंडली काक्षम मंगलाया तो बहुत देखती है भाई। ओ बड़े भगवान हो। ओके जनाब, और हो गई शादी, फेरे हो रहे जनाब, फेरे हो रहे हैं, फेरे हो रहे हैं।
कल मेरे साथ जो मेरी परफॉर्मेंस में जो वॉइस थे वो हिंदुस्तान से हैं? नहीं, वो हिंदू हैं, दो जो आगे थे ओके, एक का नाम विशाल था एक का नाम विनोद, और वो यहीं रहते हैं, यहाँ बहुत सारे हिंदू रहते हैं, मैं जैसे जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसके बराबर में एक एरिया है, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मैंने हिंदू फैमिली में जाके कोरियोग्राफी भी की और जो मेरे साथ परफॉर्म कर चुके थे वो हिंदू ही थे। ओके जी, विशाल विनोद आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त थी, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, जब कभी भी आपको मौका लगे आप दोबारा हमारे गेम शो में आएंगे, हम आपको इनवाइट करते हैं। थैंक यू सो मच। और रबीका के भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमेशा रबीका के साथ होते हैं, हर जगह होते हैं, हर पॉइंट पर होते हैं। हिंदुस्तान के झंडे के रंग बताएं। ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। क्या बात है यार, जबरदस्त ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। और इसके अलावा एक रंग और होता है, वो होता है अच्छा, वो जो ऑरेंज कलर लोग सब बार बार कह रहे हैं ना ऑरेंज रेड, वो ऑरेंज रेड कलर नहीं होता, वो सैफरन है, वो सैफरन टाइप का कलर होता है, उसका नाम होता है सैफरन। ओके, झंडे के बीच में चीज होती है उसका नाम बता, जरा बताएं। कोई व्हील होता है? व्हील होता है यस। उस व्हील का नाम क्या है? नाम सही चला, लेकिन मेरे ख्याल से व्हील होता है, मैं इतनी हिस्ट्री इंडिया के बारे में क्यों लूंगा। अच्छा भाई, वो इंडिया के बारे में मैं इतनी हिस्ट्री क्यों लूंगा। और अब चलेंगे शहताज खान के पास, जो कि आज डॉल लग रही हैं, गुड़िया लग रही हैं, प्यारी सी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शहताज खान। शहताज खान, आप मुझे ये बताएं, आज का हेयर स्टाइल आपने किसको देखकर बनाया? पहले ये बताएं। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेजेस में पढ़ती हैं, स्कूल से पढ़ती हैं, वो अपनी मामा से जिद करती हैं, हमें इस तरह की गुड़िया चाहिए। ओके शहताज, आपके बहुत सारे फैंस ऑफ कोर्स हिंदुस्तान में भी रहते होंगे, तो हिंदुस्तान का जो झंडा है उसके रंग कौन कौन से हैं ये बताएं। सफेद। ओके। और वाइट। सफेद, ग्रीन और ऑरेंज। ओके, ऑरेंज। और इसके अलावा और क्या है हिंदुस्तान के झंडे पे? एक चीज और होती है, एक चीज और होती है हिंदुस्तान के झंडे पे, उसका नाम बताएं। गोल। यस, बिल्कुल ठीक। ये भी ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मुझे उसका पता नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, शायद उनका कोई सिंबल है, कोई कुछ है उनका ट्रेडिशनल कुछ क्या है। अच्छा वो, अच्छा वो कौन से कलर का होता है, उसका कलर आप बता सकती हैं? सफेद ही होता है ना वो? नहीं, सफेद नहीं होता शहताज खान, ब्लू होता है। यस, आपने चार कलर बिल्कुल ठीक बताए, उसका नाम बता दें खाली, उसका नाम क्या होता है जो बीच में, जो गोल गोल आप बता रही है, गोल गोल होता है बीच में, नहीं त्रिशु नहीं होता, तुक्का लगाए, मुझे तुक्के में भी उसका नाम नहीं आ रहा ना, मुझे नहीं याद। चले जी भाई, शहताज ने चार चीजें बिल्कुल ठीक बताई हैं। ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। अच्छा ऑरेंज जो आपने कलर कहा वो कौन से नंबर पे? फर्स्ट। अच्छा अपन जो फर्स्ट पे रबीका ने कहा उसको हम बोलते हैं सैफरन, वो हिंदुस्तान के फ्लैग पर जो ऑरेंज कलर होता है वो रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं सैफरन। ओके, दूसरा कलर कौन सा होता है? व्हाइट। ठीक है, थर्ड तीसरा कलर कौन सा होता है? ग्रीन। ये भी ठीक है जनाब, उसके अलावा चौथा कलर क्या है? वो साउंड है। अरे ये भी ठीक है भाई, वो जो ब्लू कलर का है वो क्या है? डायमंड टाइप का बना। यार डायमंड तो नहीं होता, सर्किल होता है, ये भी ठीक, जो सर्किल होता है, जो सर्किल है उसको क्या बोलते हैं? तुक्का लगाए रबीका, तुक्का लगाए। अच्छा चलें ठीक है जी। अच्छा जो आपने, अच्छा मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं चक्रा, वो चक्रा कहलाता है, उसका उसका वर्ड है चक्रा। और उम्मीद करते हैं कि इंडियंस वो फिल्म भी थी रक्त चरित्र, रक्त चरित्र।